हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। अगर हम बात करें ट्विंस प्रेगनेंसी की, तो ट्विंस प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के मंथ से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 1 से 3 महीने के बीच में आपके साथ उल्टी होना, महक लगना एंड चक्कर आना एंड कुछ खाने का मन ना करना। जो ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसका रीजन होता है कि ट्विंस होने की वजह से जो आपके हार्मोन्स का लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एंड ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। जैसे कि आपका 4th और 5th महीना लगता है तो धीरे धीरे आपको ये समस्या कम होने लग जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्मोन्स का लेवल एकदम से बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे लेवल पे आ जाता है। तो इसीलिए आपको जो 5वें महीने से ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। एंड जैसे ही आपका 3रा महीना खत्म होता है तो आप महसूस करेंगे आपके 3रे महीने के लास्ट से आपके जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें हल्का हल्का दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसका रीजन होता है शुरुआत में जो आपके भ्रूण होते हैं 1 से 3 महीने तक वो पैल्विक हिस्से के अंदर रहते हैं एंड जैसे ही आपका 3 महीना खत्म हो जाता है वैसे जो भ्रूण होते हैं वो बाहर निकल के आपके पेट में आ जाते हैं। धीरे धीरे आपकी जो बच्चेदानी का जो साइज होता है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए आपके पेट के निचले हिस्से में भारीपन एंड थोड़ा बहुत दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपको इस महीने एक बार जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपना एक बार यूरिन चेकअप जरूर कराना है, क्योंकि कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है एंड ट्विंस प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना एक बहुत ही नॉर्मल बात होती है एंड इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंड अब हम बात करते हैं जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है, जैसे कि 4th, 5th, 6th महीना, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप महसूस करेंगे कि जैसे आपका 5वां महीना खत्म होगा आपके घुटनों में भी दर्द होगा एंड आपकी कमर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में एंड आप अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, अच्छे से बैठ के कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप बैठने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं महसूस करेंगी एंड आप ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाएंगे, आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, हो सकता है आपकी स्वेलिंग भी आ जाए। लेकिन स्वेलिंग जरूरी नहीं है हर किसी की, किसी किसी की आती है, मेरे बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े कोशिश करें आप अनहेल्दी चीजों से दूर रहें, आप ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें, जूस का सेवन करें, नारियल पानी पिए, दूध पिए, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके एंड आपको जो कैल्शियम और आयरन की टेबलेट दी जाती है वो आप प्रॉपर चालू करें, बिकॉज दो बेबी होते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है वैसे बेबी का जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को बहुत तेजी से ब्लड फ्लो जाता है एंड इनको बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाती है एंड आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होना स्टार्ट हो जाती है एंड आपकी बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है। तो आप इस दौरान ध्यान रखें, अपनी डाइट को बहुत ही ज्यादा हेल्दी से हेल्दी लेने की कोशिश करें कि आपको भरपूर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉलिक एसिड ये सारी चीजें जरूर मिले एंड प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में ले एंड ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। आप एक चीज और महसूस करेंगी, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पेट की स्किन बहुत ज्यादा खिंचने वाली है। तो आप क्या करें, जब आप रात को लेटने जाएं तो आप अपने पेट में सरसों का तेल से मालिश जरूर करें, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड उसके बाद में आप अपने घुटनों में कोई भी दर्द का ट्यूब या फिर दर्द की स्प्रे जरूर लगाएं एंड हो सके तो आप अपने पैरों में मालिश करा लें, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा एंड उसके बाद में आप अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द का ट्यूब जरूर लगाएं। रात में जब आप ये लगा के लेटेंगी तो आपको सुबह तक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा एंड आपको ये काम जो है डेली करना है एंड आपके जो पैल्विक हिस्से का जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे। एंड एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी जिसमें आपको बार बार यूरिन की समस्या होगी, जिस वजह से भी आप प्रॉपर रात में नहीं सो पाएंगी एंड ट्विंस प्रेगनेंसी में नींद का आना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। तो आप एक बार जरूर ध्यान रखें कि आपको पानी जो है ज्यादा से ज्यादा दिन में पीना है, आप कोशिश करें रात में कम पानी ही पिए ताकि आपको बार बार यूरिन ना जाना पड़े। आप जब रात में सोने जाएं तो आप एक ग्लास गुनगुना दूध जरूर लें, इससे आपको नींद थोड़ा बहुत अच्छी आ सकती है। एंड आप एक बार ध्यान रखें, अगर आपका दर्द जो है नॉर्मल होता है घुटनों में एंड कमर में एंड पेट के निचले हिस्से में जिसे आप बर्दाश्त कर सकती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आपका ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी हिस्से में या फिर आपके सर में दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने तुरंत ही डॉक्टर से मिले। एंड एक बात ध्यान रखें, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी ना लें एंड उसके बाद में आप अपने सर में चंपी जरूर कराएं, अच्छे से तेल को सर में ठोके, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके सर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मेरे भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड उसके बाद में आप झंडू बाम भी लगा सकती हैं और इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड एक बात और ध्यान रखें कि
कि आपको पूरी प्रेगनेंसी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपके पैरों में सूजन बहुत ज्यादा आती है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हद से ज्यादा सूजन का होना बहुत ज्यादा घातक होता है एंड ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। एंड ये जो समस्याएं हैं छोटी मोटी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और ये पूरी प्रेगनेंसी आपको लगी ही रहेंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी ये सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। एंड हो सके तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती रहे छोटी मोटी, विदाउट डॉक्टर के परमिशन या फिर किसी भी एक्सपर्ट की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। एंड वही एक्सरसाइज करें जो आपको कंफर्टेबल हो, अदरवाइज आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि ये जो समस्याएं होती हैं इनका कोई भी इलाज नहीं होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ऊपर से आपका भी वेट हो जाता है, तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट होती ही होती हैं और इनमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। एंड ये आपके साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।